अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत जमात हफ्तम की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिफ्ज़ तर्जमा। हम सफ़र नंबर 4 से पढ़ेंगे सूरतुज़ुहा। सूरतुज़ुहा के बारे में बेटा मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपके रिश्तेदार और तमाम लोग जो थे वो आपके खिलाफ हो गए। कल तक जो आपको सादिकुल अमीन कहते थे आज वो आपको मजनून शायर कहने लगे। पत्थरों से मारने लगे, तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे, आपसे आप अपने ताल्लुकात को ख़त्म करने लगे। तो ये सब जो बातें थी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप ये सूरत नाजिल फरमाई, सूरतुज़ुहा। आइए हम पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आख़िरतु ख़ैरुल लका मिनल ऊला, ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। आइए इसका तर्जमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ु बेटा इसमें वाव जो है वो कसम के तौर पे है, कसमिया है, इसको कहते हैं वाव कसमिया। वज़्ज़ुहा कसम है रोज़े रोशन की, सुबह की। वल्लैलि इज़ा सजा और रात की, इज़ा सजा जब वो छा जाए। मा वद्दअका नहीं छोड़ा रब्बुका आपके रब ने, वमा कला और ना ही वो नाराज़ हुआ। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आपको आपके रब ने तनहा नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज़ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ओला, और यकीनन हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहले से बेहतर है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और अन करीब आपको अता करेगा, आपको देगा आपका रब, फतरज़ा पस आप राज़ी हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या नहीं पाया आपको यतीम, फ़आवा पस आपको अपनी आगोश रहमत में जगह दी। वावा जैदा का सवालन फ़हदा, और पाया आपको नावाकिफ़ फ़हदा, बस आपको सीधा रास्ता दिखाया। यानी कि आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। वावा जैदा का आइलन फ़अगुना, और पाया आपको हाजतमंद फ़अगुना, बस आपको गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, बस आप क्या करें यतीम के साथ, फ़ला तक़हर सख्ती ना करें। वअम्मा साइला, और मांगने वाले को फ़ला तन्हर ना छिड़किए। वअम्मा बिनियामत रब्बिका फहद्दिस, और जो नेमतें आपको आपके रब ने दी हैं फहद्दिस, बस आप उन नेमतों का जिक्र कीजिए, उनको याद करें। तो बेटा देखें, मैंने कुछ लफ्ज़ों को नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि वज़्ज़ुहा, ज़ुहा कहते हैं सुबह को, लैल, लैल का मतलब है रात, सजा छा जाने को, यानी कि जब रात हो जाए। वद्दअका, वद्दअ कहते हैं छोड़ा, यानी कि आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा, खला नाराज़ होना। लल आखिरतु आने वाली घड़ी, खैरुन बेहतर है, ओला पहले से। वला सोफ़ा और अनकरीब, युअती का मतलब है अता करना, देना, ठीक है ना, अनकरीब आपको देगा आपका रब, फतरज़ा राज़ी होना, तरज़ा राज़ी होना, ठीक है। अलम यजिद का, यजिद पाया, ठीक है ना, क्या नहीं पाया आपको यतीमन यतीम, फ़ावा पस आपको अपनी रहमत में जगह दी। वावा जदा का, और पाया आपको ज़ौलन, ज़ौलन को देखिए बेटा नावाकिफ़, ठीक है, फ़हदा सीधा रास्ता दिखाया आपको, और पाया आपको आइलन हाजतमंद, फ़ागना पस आपको गनी कर दिया। आगे देखिए, फ़अम्मल यतीमा, और आप यतीम को तक हर सख्ती ना कीजिए यतीम पर। साइला मांगने वाले, ठीक है ना, जो साइल हैं मांगने वाला, ठीक है, तनहर उन्हें मत झिड़किए। आगे देखिए, बिनियामती नेमतें, ठीक है ना, हदीस, हदीस कहते हैं याद करने को, यानी कि जिक्र करने को कहते हैं। तो बेटा देखें, आपके सामने आपकी ये सूरत है और उसका तर्जुमा है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, सूरत को भी और इसके तर्जुमे को भी याद करना है। इसका तर्जुमा जो है वो आपने फोल्डर के ऊपर लिखना है, और जिन लफ्ज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है उसके जो मानी है वो भी आपने फोल्डर के ऊपर लिखने हैं, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इन लफ्ज़ों के मानी क्या हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।